हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी। पहले हमने किया पब्लिक सेक्टर, देन प्राइवेट सेक्टर, एंड आज हम करेंगे जॉइंट सेक्टर एंड इट्स रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। जॉइंट सेक्टर्स होते क्या हैं? इंडिया क्या है? एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। जब हम 1947 में इंडिपेंडेंट होते हैं, उस समय हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लिया? हमने ना ही प्राइवेटाइजेशन का, ना ही पब्लिक सेक्टर का। हमने कहा प्राइवेट सेक्टर के कुछ एडवांटेज हैं, साथ में डिसएडवांटेज भी हैं, एंड अगर पब्लिक सेक्टर है उसके भी मेरिट एंड डीमेरिट भी हैं। अगर हम दोनों के मेरिट्स को चूज कर ले तो हमारे पास क्या, कौन सी इकोनॉमी आती है? मिक्स्ड इकोनॉमी आती है। इसीलिए हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। मिक्स्ड इकोनॉमी में हम प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। पहले 48 में क्या था, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उसमें कुछ सेक्टर्स प्राइवेट हैंड्स के लिए और कुछ सेक्टर पब्लिक सेक्टर के हैंड्स के लिए रिजर्व कर दिए गए। उसमें कहा गया कि हमारी इंडस्ट्री के जो कोर सेक्टर्स हैं, रेलवे है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, इन सेक्टर को पब्लिक सेक्टर सरकार ही क्या करेगी, डेवलप करेगी। लेकिन जब 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है उसमें क्या कहा गया कि पब्लिक सेक्टर तो ठीक है, साथ साथ में हमें क्या, किसकी जरूरत है? प्राइवेट सेक्टर की हेल्प की भी जरूरत है। इसीलिए मेन बर्डन किस पर था? पब्लिक सेक्टर पर। लेकिन पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जॉइंट सेक्टर का, जिसमें प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में मिलकर काम करती हैं। इसलिए हमने इनको कह दिया जॉइंट सेक्टर, जिसमें हम कह रहे हैं दोनों में क्या बन गए, पार्टनरशिप बन गई बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद जब 69 में दत्त कमेटी आती है, वो भी चीज स्ट्रेस देती है कि हमें जॉइंट सेक्टर की जरूरत है, अगर जॉइंट सेक्टर डेवलप करेगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। सो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जब साथ साथ में मिलकर काम करेंगे तो इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, दोनों सेक्टर्स के मेरिट को इंक्लूड कर देते हैं। और उसका जो डी है ना, डीमेरिट वाला डी, हम चाहते हैं वो डी ज्यादा से ज्यादा दूर हो जाए। इसीलिए जॉइंट सेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या कर रहा है, इकोनॉमी को मैनेज कर रहा है कि कैसे बिजनेस करना है, कैसे इसमें प्रोडक्शन करनी है। और पब्लिक सेक्टर क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है, अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर है इसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ताकि इन एफिशिएंसी इंक्रीज ना हो, प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज ना हो, सोसाइटी का वेलफेयर हो। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर पर कंट्रोल कौन कर रहा है, पब्लिक सेक्टर कर रहा है। इसीलिए इन दोनों का मिक्सचर ही क्या कहता है, ज्वाइंट सेक्टर कहलाता है, जिसमें हम कह रहे हैं इन दोनों सेक्टर्स के मेरिट्स को इंक्लूड कर दिया। जब हमने डेवलपमेंट करनी शुरू की, हमने कहा पब्लिक सेक्टर है, रेलवे के प्रोजेक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें बहुत ह्यूज अमाउंट लगती है इन्वेस्टमेंट की। इन इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट की जरूरत थी। वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हमें कहाँ से मिली, प्राइवेट सेक्टर से मिली। लाइक दिस प्राइवेट सेक्टर थे, कुछ यूनिट सिक यूनिट हो रहे थे, लॉस में चल रहे थे, और सरकार उनको रिवाइव करना चाहती थी। तो सरकार ने कहा हम दोनों मिलकर काम करते हैं, आप हमारे लिए काम करो, हम आपके लिए करते हैं। तो एक दूसरे की हम दोनों को जरूरत पड़ी, प्राइवेट को पब्लिक की, पब्लिक को प्राइवेट की, इसलिए हम दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया, जिसको नाम दे दिया गया जॉइंट सेक्टर। जिस वजह से सोसाइटी का वेलफेयर होगा, हमारे रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होंगे, हमने अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, हमारी इंडियन इकोनॉमी को डिवेलप करना है, डिवेलपमेंट के लिए हमें रिसोर्सेज को फुली
एंड रैशनल वे से यूटिलाइजेशन करनी होगी। इसीलिए उस टाइम क्या रैशनल था, जॉइंट सेक्टर के कॉन्सेप्ट, बिल्कुल रैशनल कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, जिस वजह से हमने डेवलपमेंट करनी शुरू की। फैक्टर्स गवर्निंग द जॉइंट सेक्टर, हम जब जॉइंट सेक्टर की बात कर रहे हैं उनको गवर्न करने वाले कौन कौन से फैक्टर है जिस वजह से जॉइंट सेक्टर डिवेलप हुई। हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जब भी जॉइंट सेक्टर आता है इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों क्या हो गए, इंटीग्रेट हो गए। इंटीग्रेशन से दोनों के मैरिट क्या हो गया, आपस में मिक्स हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए, जिस वजह से सोसाइटी का डिवेलपमेंट होनी शुरू होगी। नंबर टू, थर्ड एवेन्यू बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट। हम कहते हैं डिवेलपमेंट कौन करेगा, या तो प्राइवेट सेक्टर करेगी या फिर पब्लिक सेक्टर करेगा, लेकिन बैलेंस्ड डिवेलपमेंट के लिए जरूरी क्या था, ज्वाइंट सेक्टर का कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं थर्ड एवेन्यू। हमारे पास थर्ड प्लेस पर भी कुछ आ रहा है, वो क्या बन गया, ज्वाइंट सेक्टर, जिसमें हमने ना ही प्राइवेट सेक्टर ना ही पब्लिक सेक्टर दोनों के डीमेरिट्स को चुना, हमने दोनों के मेरिट्स को चुना, जिस वजह से हम थर्ड एवेन्यू वर्ड भी यूज कर रहे हैं। एंड इससे क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो प्रिवेल कर रहा है और इकोनॉमी में डिवेलपमेंट भी हो रही है। नंबर फोर्थ पूलिंग ऑफ कॉस्ट एंड रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। जो नया प्रोजेक्ट आएगा, उस टाइम हमारे पास फिनांस की कमी थी, हमारे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि हम डिवेलपमेंट कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करें, तो कॉस्ट को पूल करने के लिए, जैसे हम जाते हैं ना कि मान लो कॉलेज जा रहे हैं, आप अपनी कार लेके जा रहे हैं, मैं अपनी कार लेके जा रहे हैं, अगर हम दोनों साथ में चले कार पूलिंग, जिससे हमारा खर्चा बच सकता है। लाइक दिस क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर उन्होंने भी अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, कॉस्ट को मीट करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए और भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रिसोर्सेज थे, उनको ज्वाइंट करने के लिए दोनों ने साथ में मिलकर नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जिससे हमारी इकोनॉमी की डिवेलपमेंट हुई, जिस वजह से हम कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है। तो डिवेलपमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो ज्वाइंट सेक्टर के नाम पर काम कर रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, डेवलपमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। और हमें पता है पब्लिक सेक्टर में इनएफिशिएंसी ज़्यादा है, उस इनएफिशिएंसी को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ ज्वाइंट सेक्टर। और ज्वाइंट सेक्टर कैसे, जैसे हम गुजरात फर्टिलाइजर कहते हैं, वो भी क्या है, एक ज्वाइंट सेक्टर है। मद्रास फर्टिलाइजर है, दैट इज ऑल्सो द ज्वाइंट सेक्टर। तो हमारे पास बहुत सारे ज्वाइंट सेक्टर एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। अब करते हैं रोल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर। जो ज्वाइंट सेक्टर्स हैं इनका इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है, फर्स्ट इज कर्बिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। जो हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर डिवेलप होगा, लार्ज इंडस्ट्रीज बनेंगे, वो अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं और इनकम है, वेल्थ है, वो कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट होने शुरू हो जाती है। तो उनकी इनकम की कंसंट्रेशन को कौन रोक सकता है, कौन कब कर सकता है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर। इसीलिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जब आपस में मिलकर काम करेंगे तो वेल्थ कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट नहीं होगी, इस वजह से मोनोपोली भी क्रिएट नहीं होती। टू कंट्रोलिंग द मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इससे क्या होता है, ज्वाइंट सेक्टर की इंपोर्टेंस इंक्रीज हो जाती है। इकोनॉमी में वेल्थ है, कुछ हाथ में कंसंट्रेट नहीं हो पाती। नंबर टू, सोशल कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज। जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन पर सोसाइटी का कंट्रोल होता है। अदरवाइज हम कहते हैं लार्ज हाउसेस, बिग कॉरपोरेट्स, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स है, तो जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन पर कंट्रोल किसका हो गया, पब्लिक सेक्टर का हो गया, पूरी सोसाइटी का हो गया। और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए रैशनल पॉलिसीज बनाई जा सकती है, प्राइसेस भी रीजनेबल रेट पर रखे जा सकते हैं। सो मेंटेनेंस ऑफ रीजनेबल प्राइसेस ये कौन कर सकता है, पब्लिक सेक्टर की हेल्प से हो सकता है। अगर पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर
कोऑर्डिनेशन से काम करेगी तो क्या कर सकते हैं, प्राइसेस को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से सोसाइटी का कंट्रोल हो जाता है जो बिग कॉर्पोरेट्स होते हैं। नंबर थर्ड, एक्सेलरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बहुत ज्यादा बेनिफिट है। हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर पर, एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती थी। एग्रीकल्चर सेक्टर से अगर हम निकलना है, हमें डेवलपमेंट करनी है, तो जरूरत है इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ की। इसके लिए जरूरत था पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलकर सामने आना होगा, क्योंकि आज के टाइम में भी इंडियन इकोनॉमी के 47% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड है। अगर इस पॉपुलेशन को हमें ट्रांसफॉर्म करना है फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होनी जरूरी है। इसीलिए हम चाहते हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश किया जाए। इसके लिए ज़रूरत है सरकार की हेल्प की। तो सरकार हेल्प करती है बाय द वे ऑफ ज्वाइंट सेक्टर, सो इनकरेज इट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, जिस वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती हैं, और जो स्किल्ड के साथ साथ अनस्किल्ड लेबर है उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाता है। नंबर फोर, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। ज्वाइंट सेक्टर से क्या हो रहा है, बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करेगा। प्राइवेट सेक्टर कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है, जहाँ पर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप होता है। लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर साथ में आ जाएगी तो वो देखेगी हर एक एरिया को डिवेलप करना, हर एक रीजन को डिवेलपमेंट करना, इसीलिए वो क्या करते हैं, बैकवर्ड रीजन्स में भी इंडस्ट्रीज को लगाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर भी डिवेलपमेंट होनी शुरू कर देते हैं। अगर वहाँ पर डिवेलपमेंट होगी उसके साथ साथ लिंकेजेस एंड स्प्रेड इफेक्ट फैलेगा, जिस वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वहाँ पर और भी ज़्यादा डिवेलप होंगी, उनके रॉ मटेरियल की गुड्स भी वहाँ पर प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगी। इसीलिए एक छोटे से बैकवर्ड रीजन को डिवेलप करने के लिए पब्लिक सेक्टर की भी इम्पोर्टेंस है। अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर ओवरऑल डिवेलपमेंट होगी, पूरे रीजन की स्मूथ डिवेलपमेंट होने शुरू हो जाएगी। नंबर फिफ्थ, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज है वो अच्छे से मोबिलाइज होते हैं, कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट नहीं रहते। हमारी छोटी छोटी सी सेविंग्स है, हमारे घर पर पड़ी हैं, अगर मैं इसको बिजनेस में लगा दूं तो क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहूं, मैं नहीं कर सकती, मैं इतने पास इतने पैसे नहीं है कि अपनी इंडस्ट्री खोल लूं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूं, अगर ज्वाइंट सेक्टर है, पब्लिक एंटरप्रेन्योर है, तो पब्लिक सेक्टर स्टेट रिसोर्सेस क्या करते हैं, लोकल सेविंग को, लोकल सेवर्स को, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स को प्रमोट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप इस बिजनेस में पैसा लगाए। तो छोटी छोटी सेविंग्स क्या होती है, हमारे देश के काम आते हैं, इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाते हैं और लोगों को भी इसके रिटर्न मिलने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से स्टेट इन्वेस्टमेंट से इनकरेज था लोकल सेवर, छोटे छोटे लेवल पर लोकल सेवर से उनको भी इनकरेज करते हैं। जब भी पब्लिक की बात आती है, स्टेट की बात आती है, हमें स्टेट पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है कि हमारा पैसा कहीं भी डूबेगा नहीं, इसीलिए लोकल सेवर से क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इज ब्रॉड बेसिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब ज्वाइंट सेक्टर कॉन्सेप्ट आता है तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसका बेस इंक्रीज हो जाता है, ब्रॉड बेस हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है मैंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोली है, इसके लिए मगर किसी फाइनेंशियल असिस्टेंट की, टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत होगी, तो सरकार मेरी हेल्प करने जरूर आएगी। इसीलिए ज्वाइंट इंडस्ट्री के साथ बेस वाइड हो जाता है, स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप उससे एडवांटेज लेते हैं, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर भी बिजनेस खोलने का इनकरेज दिखाते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, इस वजह से हमारे देश में ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग क्या है, कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज ओपन करना चाहते हैं,
हमें अपनी इकोनॉमी को इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी कहना चाहते हैं, इसके लिए जरूरत है स्टेट भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने। तो स्टेट ऐसी स्कीम्स लेकर आए, स्टेट स्पॉन्सर करे जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टाइनी इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री भी डिवेलप हो। तो जिस स्टेट की ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिवेलप कर रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को फास्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ पब्लिक कंट्रोल। अब जब ज्वाइंट सेक्टर होगा पब्लिक सेक्टर क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। इसीलिए अगर प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर क्या कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर पर कंट्रोल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ज्वाइंट सेक्टर्स। तो इट वजह से क्या होता है, इट रिड्यूस द डोमिनेंट इकोनॉमिक पावर ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस। जितनी बड़े बड़े लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस या लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, बिग कॉर्पोरेट्स हैं, उनकी डोमिनेंट पावर को, डोमिनेंट इकोनॉमिक पावर को उनके रिसोर्सेज पर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो अब सिर्फ प्राइवेट की नहीं है, वो पब्लिक की है और सोसाइटी की भी है। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव टू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। हम हमेशा बात करते हैं जैसे इकोनॉमी पब्लिक सेक्टर होगा या प्राइवेट सेक्टर होगा, इनके मीडियम का कोई वे है, तो ये क्या बन गया, एक पब्लिक एंड प्राइवेट का अल्टरनेटिव सेक्टर बन गया, जिसमें दोनों के मेरिट्स को हमने क्या इंक्लूड कर दिया। इट कंबाइंस द फेवरेबल पॉइंट्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंड इलिमिनेट द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द बोथ। मीन जो दोनों के नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको इलिमिनेट कर दिया गया और जो इनके मेरिट्स हैं उन दोनों को इंक्लूड कर लिया। ये थे रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जिस वजह से हमें समझ आ रहा है कि अगर ज्वाइंट सेक्टर होगा तो देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी और हमारी सोसाइटी का वेलफेयर होगा, जिससे एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर एंड मोनोपोली भी क्रिएट नहीं होगी। ये थी इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ ज्वाइंट सेक्टर। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ द ज्वाइंट सेक्टर एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट इट। होप सो कि आपको ज्वाइंट सेक्टर का मीनिंग एंड रोल समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।